सोचिए हम किस समाज में जी रहे हैं, जहां आज भी दलित समाज को तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। समाज के इस कथित ठेकेदारों ने पहले तो इंसान को ऊंची और नीची जाति में बांट दिया, अब कुछ लोगों ने पानी को भी जाति में बांटने की रवायत शुरू कर दी है। आपको यकीन ना आए तो जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। भरतपुर के कामा कस्बे के गली में बिखरे पड़े ईंट और पत्थर की तस्वीर को देखिए। यहाँ टैंकर से पानी लेने पर जब विपक्ष के लोगों ने दलित समाज को रोका तो बवाल खड़ा हो गया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देखते ही देखते बवाल खड़ा हो गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। मोहल्ले में हुए पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लिए। विवाद हुआ था, दो पक्षों में आपस में जमकर पथराव हुआ है। मौके पर पुलिस प्रशासन आ गया है, स्थिति कंट्रोल में हुई है और समझाइश चल रही है कि निपटारा किया जाए। राजस्थान में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी का रोना ऐसा कि लोग एक दूसरे का खून करने पर उतारू। लेकिन सोचिए, दलित के नाम पर कोई पक्ष पानी लेने से किसी को कैसे रोक सकता। दरअसल कामा कस्बे में बड़ा मोहल्ला में जब पानी का निजी टैंकर पहुंचा, तो एक पक्ष ने दलित समुदाय को पानी भरने से रोक दिया। मामूली सी कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान मौका पाकर पथराव करने वाले लोग भी फरार हो गए। पुलिस ने हंगामा करने वाले करीब दर्जन भर लोगों को चिन्हित कर लिया। पुलिस में जाब्ते के यहाँ पर मौके पाया तो पुलिस उसको देखकर बदमाश भाग गए, झगड़ा करने वाले भाग गए हैं। अब मोहल्ला पड़ोस के दोनों समाज के लोग चाटब और बघेले आपस में बैठ करके राजीनामा का प्रयास कर रहे हैं। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? पानी भरने के ऊपर झगड़ा हुआ था। राजस्थान में पानी की किल्लत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में दलित समाज के लोगों को पानी भरने से रोकना अपने आप में एक गंभीर मसला है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या अब पानी को भी जाति में बांटने की कोशिश हो रही है? देवेंद्र सिंह, जी मीडिया,